अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सैमसंग का कोरे मोबाइल का प्ले स्टोर सर्वर एरर दे रहा है। अब सर्वर एरर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में इसके बाद एप्लीकेशन, जहां सारे ऐप्स होते हैं, हमें वहां एप्लीकेशन मैनेजर में जाना होगा। इसको ऑल करना होगा। अब यहाँ हमें जाना होगा कहाँ पर, प्ले स्टोर और प्ले सर्विस में, ठीक है। ये पहले हमने क्या करना है, इसका डेटा जो भी होता है क्लियर करना है। डेटा क्लियर कर लिया, डिसेबल कर लिया, ये इनेबल हो गया, फिर इसको डिसेबल करना है, ठीक है। फिर हमें गूगल प्ले सर्विस में जाएंगे, इसको भी सेम करना है। पहले स्टोरेज मैनेज में जाना है, इसकी स्टोरेज सारी क्लियर डेटा करनी है नीचे, ठीक है। ये क्लियर डेटा हो गई। अब बैक जाएंगे, अब इसको पहले डिसेबल करके अनेबल करेंगे, फिर इसको डिसेबल करेंगे। अब ये सारा हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापसी बैक होम में जाना है। अब दोबारा ये प्ले स्टोर यहाँ ओपन करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक सर्विस पूरी हो जाए। कोई भी मसला हो किसी मोबाइल का भी, तो ये मसला आराम से हल हो सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद ये एक्सेप्ट आया है। इसके एक्सेप्ट के बाद ये हमारा ऐप ऑन हो गया, प्ले स्टोर आईडी बन गई। उम्मीद है आप